8.1 क्वेश्चन नंबर 8, इधर देखो ए 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो चेक करना है हमें क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल टू है या नहीं है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, तो इसको चेक करेंगे हम, तो 3 cot a इक्वल टू कितना है बेटा 4 है, 3 किस में इंटू में, तो इंटू में है तो इधर जाएगा, तो किस में जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ जाएगा। समझ में आया cot क्या होता है, अभी बताया था मैंने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इंटू में हम k लेते हैं तो यहाँ पर बेटा बेस कितना आ जाएगा 4k और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3k, फिर डायग्राम बनेगा जी, कितना हो गया 90 ए बी सी, इसमें बेस कितना जी वाला थीटा ले लो, ए है ना तो ए वाला जी वाला हो गया, तो कितना आ जाएगा 4k, बेस कितना आ जाएगा बेटा 4k और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3k। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो ए बी सी इज आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर, तो बाय पी जी टी से बेटा क्या आ जाएगा, पी जी टी थ्योरम से बेटा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना है तो ए बी क्या है बेटा 4k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी क्या है 3k हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर हो जाएगा, ये 25k स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस करेंगे इधर देखो बाद में नोट करना, स्क्वायर हटा दो बेटा ए सी का, तो इसमें ये रूट में वैल्यू आ जाएगी, तो रूट में कितना बाहर निकल जाएगा रूट से 5k आ जाएगा, तो ये 5k आ गया, हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 5k। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें टेन की वैल्यू चाहिए, कॉस की चाहिए, साइन की चाहिए, तीनों की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन हम पहले हम क्या करेंगे टेन निकालेंगे, तो टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो टेन ए की वैल्यू तो इससे अपोजिट हो जाएगी कॉट से, कॉट की अपोजिट रेसिप्रोकल होती है ना, कॉट की कितनी है 4/3 है, तो बेटा टेन की कितनी हो जाएगी 3/4, इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें किसकी चाहिए, कॉस की चाहिए, कॉस ए, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा बेस यहाँ पर कितना है ए बी और अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो कितना आ जाएगा 4k/5k, के से के कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की चाहिए, तभी तो पुट करोगे, तो साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, तो 3k/5k, के से के कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, ये इक्वल टू है कि नहीं है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 - tan² a / 1 + tan² a, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1 - tan की वैल्यू कितनी है 3/4 स्क्वायर है, तुम बी स्क्वायर कर दो जी, देखो स्क्वायर है अपॉन में 1 + 3/4 आ जाएगा, टेन की वैल्यू वही है, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 स्क्वायर है, तुम बी स्क्वायर कर दो, साइन की वैल्यू 3/5 स्क्वायर है, तुम बी स्क्वायर कर दो, आंसर क्लियर, कुछ नहीं किया वैल्यू पुट किया बस, इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1 - 9 आ जाएगा 16, और जी क्या आ जाएगा 1 + 9/16 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 16/25 -9/25 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेना तो आता है तुमको, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस का 9 और ऐसे ही बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 प्लस का 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 25, तो 16 माइनस का 9,
ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर जी प्लस कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे 16 में से 7 गया तो कितना, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। तो जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो राइट हैंड साइड आ गई तो इसका आंसर किस में आएगा, सही है। तो ये इक्वल टू है, नोट करो इसको।